तो प्रचंड बहुमत के साथ चार राज्यों में भाजपा ने अपना परचम लहरा दिया है। ये चार राज्य भगवा में होते हुए नजर आए हैं। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। अहमदाबाद में उनका एक बड़ा लंबा रोड शो होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत जल्द ही होगी। सीधे आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं और तस्वीरें दिखाते हैं। लोगों में क्योंकि आप देखें गुजरात में भी अब बहुत जो आम गुजरात के जो चुनाव और बिल्कुल शैलेंद्र जिस तरह से हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर अपने प्रधान सेवक को अपने प्रधानमंत्री को मिलने के लिए छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद हैं। इसीलिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास का जो मंत्र है उसको लगातार वो चरितार्थ करते हुए, और जैसे कि हमने कहा कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में जिसमें चार में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की और कहीं ना कहीं ऐसे कई मिथक तोड़े हैं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां से आप भी मौजूद थे, आपने भी चुनावी रिपोर्टिंग की है, तो कहीं ना कहीं उस जीत का मंत्र जो है वो गुजरात की जनता के लिए, विधानसभा चुनाव है साल के आखिर में। बिल्कुल उसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि अब गुजरात में विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है और ये जो उत्साह दिखाई देता है जनता के बीच और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच ठीक एक दिन चुनावी जीत के बाद, और दरअसल जो एक भरोसा बढ़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत पर, भारत की शक्ति पर, आज हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन गंगा में हम कैसे यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने में कामयाब हो रहे हैं और दुनिया देख रही है कि भारत के लिए हर एक भारतीय महत्वपूर्ण है जो देश और दुनिया में कहीं भी संकट में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बार बार हम होता हुआ देख रहे हैं कि ऐसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित कराई गई है, हर संभव मदद दी गई है। तो निश्चित तौर पर केवल चुनावी जीत ही नहीं, हमें देख रहे हैं कि भारत आज अब एक आकांक्षी भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, भारत जो आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और उनकी दूरदृष्टि से भारत का हर एक युवा अपने योगदान को बेहतर से बेहतर करके देश के योगदान में अपना योगदान। तो अहमदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे थे। चार राज्यों में बंपर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं। यहां पर 10 किलोमीटर लंबा रोड शो होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की जनता को भी संबोधित करने वाले हैं। वहां रुक करेंगे, इससे पहले कुछ बड़ी खबरें हैं वो जरा आप तक पहुंचा देते हैं। यूपी में सपा को पछाड़कर बीजेपी बहुमत लेती दिखाई दी, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी बढ़त पर थी। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत के बिना नाम लिए बीजेपी पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि जनता इससे नाराज है और इसका असर कुछ तो जरूर दिखाई देगा। मतगणना के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए चुनावी नतीजों को लेकर कहा कि लड़ाई तब तक होती है जब चोर बेईमान हो जाते हैं। ये चोरी करते हैं, बेईमान भी हैं और गुंडे भी हैं। आगे वो कहते हैं कि इनसे जनता नाराज है और कह रही है कि इनकी पार्टी इस बार नहीं जीतेगी। टिकैत ने कहा कि चुनाव के नतीजों में जनता की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई देगी। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं रिपीट हो रही है, कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए जा रही है। तो ऐसे में गठबंधन ने भी, पश्चिम यूपी की बात करें तो पश्चिम यूपी में कहीं ना कहीं अच्छा खासा गठबंधन का असर रहा। तो ऐसे में ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, उनसे बात करते हैं। टिकैत साहब, क्या मानते हैं इस बार जो बीजेपी रिपीट हो रही है, क्या मानते हैं, क्या कारण मानते हैं? अरे जनता ना वोट दे दे, रिपीट हो रही होगी, ये तो इलेक्शन का मामला मारते। तो नॉन पॉलिटिकल बात करो तो हम बता दें भाई, ये सवाल तो जो चुनाव लड़ रहे थे आमने सामने वो बताएंगे, हम कहा को चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो तीसरा पक्ष हैं, दो चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो तीसरे हैं, हम तो अपनी बात बताते हैं। जो सरकार है वह काम नहीं करती, उसकी क्या पॉलिसी, हम तो वह बात बताते हैं जनता के बीच में। लेकिन विपक्ष लगातार किसान आंदोलन की बात करें, लगातार कह रहा था कि काफी प्रभाव इस चुनाव में किसान आंदोलन को लेकर पड़ सकता है, क्या क्या लगता है? अब पड़ा होगा, जिसने जो कुछ कर लिया, जिसने जिस सपोर्ट मांग ली, भका लिए, अपना दे दी जनता ने वोट उनको। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम 2022 से जारी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में 5 साल बने रहने के बाद दोबारा वापसी का रिकॉर्ड बना लिया है। वहीं पार्टी के उम्मीदवारों ने भी कमाल किया। बता दें कि नोएडा में पहले सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड बना और कुछ ही देर बाद साहिबाबाद में लोगों ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इन दोनों सीटों पर भाजपा को बंपर जीत मिली है। NCR में भाजपा ने एक ही दो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिए हैं।
एनसीआर में पार्टी का प्रदर्शन इतना शानदार रहा कि विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को यहां पर किसी भी राउंड में बढ़त मिलती नहीं दिखी। इसका परिणाम रहा कि नोएडा और साहिबाबाद की चर्चा पूरे देश में हो रही है। साहिबाबाद के नाम पर अब नेशनल रिकॉर्ड हो गया है। यहां से भाजपा के प्रत्याशी सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,835 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। बहुत बड़ा मार्जिन, ये देश में विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी जीत है। दरअसल ये आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट है। ऐसे में जब जीत का अंतर बना तो रिकॉर्ड तोड़ा गया। सुनील कुमार शर्मा ने 2,14,835 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। तो वहीं नोएडा विधानसभा सीट से पंकज सिंह ने पहले रिकॉर्ड बनाया। राजनाथ सिंह के बेटे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुत्र और वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने वाले पंकज सिंह को लोगों का भारी समर्थन मिला, प्यार मिला। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पंकज सिंह 1.04 लाख वोट से जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। इस बार उन्होंने 1,81,513 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। पंकज सिंह ने इस जीत के साथ नेशनल रिकॉर्ड बनाया जिसे बाद में सुनील कुमार शर्मा ने तोड़ दिया। पीलीभीत में 2017 की तरह एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने जिले की चारों विधानसभा सीट पर विजय हासिल की। इसके बाद भाजपाइयों ने जीत का जश्न मनाते हुए शहर में कई घंटों तक पुलिस प्रशासन की निगरानी में बुलडोजर जुलूस निकालकर खुशियां मनाते नजर आए। साथ ही रंग अबीर गुलाल से होली खेलते नजर आए। संजय सिंह गंगवार ने बताया कि जनता ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी, जो जन सहयोग की पार्टी है, उसको अपनी सेवा के लिए चुना है। इसी तरह बाबा का बुलडोजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शपथ लेने के बाद फिर से चलेगा। और बाहरी लोगों पर निशाना साधते हुए कहा कि पीलीभीत की जनता समझ चुकी है। साथ ही सांसद वरुण गांधी का नाम लिए बिना ही निशाना साधते हुए कहा कि छोटे पप्पू को पीलीभीत से विदा करना है। जीत के आए किसको श्रेय देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? जीत जनता को, जीत का श्रेय है, जनता ने आशीर्वाद दिया, जीत का श्रेय कार्यकर्ता और जनताओं के। अभी देख रहे थे कि पार्लियामेंट्री की बात हो रही थी, क्या कहेंगे पार्लियामेंट्री को लेकर? देखिए, अब पीलीभीत के लोग जग चुके हैं, अब पीलीभीत के लोग गाली नहीं सुनेंगे, अब पीलीभीत के लोग अपमानित नहीं होंगे। तो आज इस चुनाव से छोटे पप्पू को संदेश देना चाहता हूं कि अब ये गलती ना कर दे कहीं पीलीभीत की जनता को गाली वाली देने का। उन्हीं की भाषा में, जिस भाषा में वो समझेंगे उसी भाषा में हम लोगों ने समझा। जी का बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर की बात हुई थी, बुलडोजर तो निश्चित चलेगा और उन भूमाफियाओं के लिए चलेगा जिनको सपा की सरकार में भूमाफिया घोषित किया गया था। वो आज सपा प्रत्याशी के साथ गलवैया कर रहे थे, जरा मुख्यमंत्री जी को शपथ लेने दीजिए, सबसे पहले बुलडोजर उन्हीं के यहाँ चलेगा। और यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। At GLA University, we make the way, we inspire. We are a family bound by a common bond. We lead, we innovate. The record breakers, the cheer makers, the dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डट कर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान।
सिविल सर्विसेज एग्जाम हो। नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो है, 10 किलोमीटर लंबा रोड शो, सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद गुजरात की जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लंबा रोड शो है। तो आज गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कड़ी सुरक्षा के बीच ये मेगा रोड शो जारी है। 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो बताया जा रहा है और हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए तमाम जो दर्शक हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हौसला अफजाई उनकी कर रहे हैं। भारी संख्या में आम जनता सड़कों पर नजर आ रही है। ये देखिए खूबसूरत तस्वीरें, मेगा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद में। भारी संख्या में भीड़ यहां पर जुटी हुई है। तो देखा जा सकता है कि पहले से ही ये कार्यक्रम तय था, लेकिन कल जिस तरह से 5 राज्यों के परिणाम सामने आए हैं उसके बाद जो खुशी है वो दोगुनी होती हुई नजर आ रही है। 5 राज्यों में से 4 राज्यों पर बंपर जीत भाजपा ने हासिल की। भगवा में इन 4 राज्यों की धरती जो है वो होती हुई नजर आई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उसके बाद आज गुजरात में ये मेगा रोड शो, 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। तो 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो दर्शक हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अभिवादन करते हुए। तो मिशन गुजरात के तहत ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। एनडीयू के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल महाकुंभ में भी शामिल होंगे। तो गुजरात के सांसदों विधायकों के साथ भी एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो 1.38 लाख से प्रतिनिधियों का सम्मेलन एनडीयू के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो 10 किलोमीटर लंबा बताया जा रहा है। तो एयरपोर्ट से कमलम तक ये रोड शो है। 4 लाख लोग स्वागत के लिए मौजूद हैं। आप देखिए 4 लाख की संख्या में ग्रैंड वेलकम बीजेपी कार्यकर्ता करते हुए नजर आएंगे। एनजीओ से जुड़े लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। तो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और सीधी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जो कार्यक्रम है वो भी बेहद अहम यहां पर बताया जा रहा है। सांसदों कार्यकर्ताओं के साथ भी एक चर्चा हो सकती है और बीजेपी कार्यकर्ता पूरी ग्रैंड वेलकम के लिए तैयार है। तो अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जारी है। गांधीनगर में बीजेपी ऑफिस तक ये रोड शो रखा गया है। 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात चुनाव की तैयारी में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 4 राज्य तो फतेह कर लिए हैं, अब गुजरात की बारी है। ऐसे में तैयारियाँ अभी से ही पूरी करते हुए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो एयरपोर्ट से श्री कमलम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, तो एयरपोर्ट से पार्टी दफ्तर तक पीएम मोदी का ये रोड शो चलेगा। भारी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो मौजूद नजर आ रहे हैं।
इसका रूट भी आपको बता रहे हैं, ताज सर्कल सरदार नगर तक, और उसके बाद यहाँ से काफिला हंसौल सर्कल तक जाएगा, उसके बाद भाट सर्कल भी जो रोड शो है इसका काफिला आगे बढ़ता हुआ, उसके बाद कोवा सर्कल, और भीड़ देखिए आप कितनी संख्या में है यहाँ पर, उसके बाद कमलम तक ये काफिला पहुँचेगा। कमलम के बाद बीजेपी ऑफिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे। तो ये जो रूट है रोड शो का वो हम आपको बता रहे हैं। इससे खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी प्रणव मेरे साथ अहमदाबाद से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रणव, अहमदाबाद में बड़ा रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, गुजरात चुनाव की तैयारी, क्या कुछ अपडेट? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अभी स्टार्ट हो चुका है, अभी थोड़ी देर में वो एयरपोर्ट आए थे, एयरपोर्ट से उनका जो रोड शो है वो लगातार गांधीनगर कमलम जो बीजेपी की जो बड़ा दफ्तर है वहां तक रोड शो चालू रहेगा। लाखों की तादाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता है और बीजेपी के जो नेतागण है वो लोग पूरे रोड शो में, हजारों की संख्या में पब्लिक वहां पर जुड़ी हुई है, मोदी की जय जयकार हो रही है और लगातार जो केसरिया है वो लगा के लोग वहां पे मोदी की जय जयकार कर रहे हैं। दो दिन गुजरात में ही रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरा शेड्यूल क्या है? क्योंकि आज जानकारी मिल रही है कि कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है, लेकिन जो मेन मिशन है वो गुजरात चुनाव पर फोकस्ड है। जी हाँ, मैं वही बताना चाहूंगा जिस प्रकार से जो मिशन है 2020 जो विधानसभा का जो अभी जो इलेक्शन आने वाला है उनका पूरा उद्देश्य, पीएम मोदी जी को यहाँ पे आने का मुख्य उद्देश्य वही है कि जिस प्रकार से मोदी जी का रोड शो फिनिश होने के बाद बड़े बड़े जो नेता है उनके साथ बीजेपी की एक बड़ी सी मीटिंग होने वाली है और जो रणनीति तय करने वाला है, जिस प्रकार से विधानसभा 22 का जो रणनीति है तय होगा, और दूसरी बात कि जो दो दिन रुकने वाला है उनमें आज दोपहर को जो अहमदाबाद में आया हुआ डीएनडीसी ग्राउंड है वहाँ पे सबसे बड़ा किसानों का जो एक बड़ा सा जो रैली है। बिल्कुल प्रणव, और ये रोड शो कितना लंबा, कौन कौन से इलाकों से होकर ये गुजरेगा और इसके बाद फिर आगे क्या टाइमिंग है, क्या शेड्यूल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्या आम जनता को भी संबोधित करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं इस रोड शो में भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आ रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा ये रोड शो एयरपोर्ट अहमदाबाद एयरपोर्ट से स्टार्ट हुआ है और जो बीजेपी का सबसे बड़ा दफ्तर है गांधीनगर में आया हुआ कमलम वहां पे जाने वाला है, लगातार 15-16 किलोमीटर का लंबा तय करके ये जो रोड शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वो वहां पे पहुंचेगा और हजारों की तादाद में लोग जो कार्यकर्ता है, आम पब्लिक है, यहाँ की आम जनता है, क्योंकि चार राज्यों में वो लोग बीजेपी ने जीत हासिल की है, इसके लिए प्रधानमंत्री, खास बता दूं कि प्रधानमंत्री गुजरात के एक पौत्र है और यहाँ की जो जनता है उनको बहुत सारा प्यार करती है, इसके लिए जो रोड शो में आज उनका स्वागत करने के लिए यहाँ की आम जनता और जो यहाँ के जो कार्यकर्ता है और नेतागण है वो जुड़े हुए हैं और मोदी जी का जय जयकार करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रणव, क्या रणनीति है बीजेपी की इस बार गुजरात चुनाव को लेकर? तैयारियां तो हमें दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर, जो तस्वीरें हैं भयावह तस्वीरें और खूबसूरत तस्वीरें और भव्य तस्वीरें नजर आ रही हैं। दो दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन रणनीति का पता नहीं चल पा रहा है कि रणनीति बीजेपी ने क्या तय की है। जी हाँ, जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से चार राज्यों ने जिस प्रकार से सबसे बड़ी वोटिंग के साथ जीत हासिल की है, इस प्रकार से गुजरात तो उनका घर है बीजेपी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से मिले करते हैं और वो प्रधानमंत्री है गुजरात से, और दूसरा जो गृह मंत्री है अमित शाह जी जो चाणक्य बोले जाते हैं बीजेपी के, वो भी अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो वो पूरी आज गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन यहाँ पर रुकने वाले हैं और जो 2022 का जो इलेक्शन विधानसभा का आ रहा है उनके अंदर बीजेपी के सबसे बड़ी जीत हासिल हो और सबसे बड़ा पूरे इंडिया में नाम रोशन करे गुजरात का, इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे बीजेपी दफ्तर में बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन किया है और जो 22 का विधानसभा चुनाव है उनके बारे में बहुत सारे डिस्कशन यहाँ पे किए जाएंगे। चलिए ठीक है प्रणव, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। तो ये बहुत लंबा रोड शो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर है, तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इसके अलावा
बीजेपी पदाधिकारियों के साथ खास चर्चा हो सकती है। बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, हेड ऑफिस पहुंचेंगे, वहां पर एक बड़ी मीटिंग का भी यहां पर बताया जा रहा है कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 4 लाख जो यहां पर कार्यकर्ता हैं, आम जनता है, जो पदाधिकारी हैं, वो ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करते हुए नजर आएंगे। अहमदाबाद की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो रोड शो, इसके बाद आगे की रणनीति किस तरह से, जैसे 4 राज्य फतेह किए हैं, गुजरात को फतेह करना है, उसकी पूरी रणनीति यहां पर तय की जाएगी। तो मोदी मोदी के जयकारों से पूरा अहमदाबाद गूंजता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात की धरती भी होती हुई नजर आ रही है और इस दौरे के कई मायने हैं। पहले तो गुजरात चुनाव को लेकर, दूसरा किस तरह से समीकरण बिठाना है, किस तरह से पूरी रणनीति तैयार करनी है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। था और ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें आप देख सकते हैं, भगवा में गुजरात की धरती होती हुई नजर आ रही है। तो अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। 10 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है जो कि कमलम में जाके रुकेगा। उसके बाद बीजेपी ऑफिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, यहां पर रणनीति तैयार की जाएगी गुजरात चुनाव को लेकर। आगे जनता को भी संबोधित कर सकते हैं, कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।